नमस्कार दोस्तों, नाइसिन चैनल को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डामियाना क्यू होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। खास तौर पर इसे जौन समस्या में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, डामियाना साउथ अमेरिका में बहुत प्रचलित मेडिसिन है। वहाँ पे अलग अलग फॉर्म में डामियाना का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डामियाना क्यू के बारे में। डामियाना क्यू एक पेड़ पौधे से बनी हुई मेडिसिन है। इसका जो मेन यूजेस है वो पुरुषों के ऊपर देखने को मिलता है। पुरुषों का जो मेन प्रॉब्लम होता है सेक्सुअल डायबिलिटीज, उसमें इसका यूज होता है। पुरुषों में एक प्रॉब्लम होता है जहाँ पे शुक्राणु लगातार बहता रहता है, जैसे कि मूत्र के माध्यम से, नाइटफॉल्स के माध्यम से। बहुत लोग मेंटल परेशान रहते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बीमारी है, जिसके लिए इसका यूजेस किया जाता है। पुरुषों की सारी प्रॉब्लम को दूर करने में ये मेडिसिन बहुत ही मददगार साबित हुआ है, जैसे कि प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह की सभी पुरुष समस्याओं में इसका यूजेस किया जाता है। देखिए, किसी भी ब्रांड की होम्योपैथिक सेक्सुअल मेडिसिन होता है, उसमें डामियाना क्यू डाला होता है। वो किसी भी ब्रांड हो, जैसे कि SBL, एडेल, बायोफोर्स, डॉक्टर विल्मर, ETC, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर दवा है सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए। ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छी तरह खाना खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बावजूद भी उसका सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाता है। वो डॉक्टर के चक्कर काटता है, लेकिन डॉक्टर भी समझ नहीं पाता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। जब उसका प्रॉपर काउंसलिंग किया जाता है, तब पता चलता है कि वो इतना ज़्यादा थका हुआ रहता है मेंटली एंड फिजिकली, ये सारे स्ट्रेस के कारण प्रीमैच्योर इजेकुलेशन हो जाता है। जब आदमी 40 से 50 साल की उम्र हो जाता है, तो प्रॉब्लम आता है कि वो सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है जैसे वो पहले एंजॉय करता था, वो अभी नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में डामियाना क्यू की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। 18 से 20 साल के लड़के के में नाइटफॉल से कॉमन बीमारी हो गया है, इस केस में डामियाना क्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम के कारण लोगों के अंदर ताकत कम हो जाता है, उस केस में डामियाना क्यू का इस्तेमाल जरूरी है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहता है कि जब वो सुबह उठते हैं और पेशाब करते हैं, तो उन्हें लगता है कि पेशाब के साथ वीडियो निकल जाता है, उसे कहते हैं प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज। इसके वजह से भी आपको फिजिकली वीकनेस आ सकता है, तो इस केसेस में डामियाना क्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों के अंदर ऐसे भर्म रहता है कि डामियाना क्यू वो केवल पुरुषों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्त्री के लिए भी होता है। जो महिला की मासिक धर्म होता है, यदि वो रेगुलर हो जाए, तो उस केसेस में डामियाना क्यू का बहुत ज़्यादा असरदार साबित हुआ है। बहुत सारे लड़कियां ऐसे होते हैं कि उन्हें सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने में डरती है, तो उस केसेस में भी ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। डामियाना क्यू को कैसे लेना चाहिए? तो आप चाय पीते हैं, उस कप में आधे हिस्सा पानी लीजिए और उसमें 10 से 20 बूंद उसमें डालिए डामियाना क्यू। देखिए, आपको कितना लेना है ये आपको आपके डॉक्टर बता सकते हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली 15 बूंद लिया जाता है। दिन में आपको 3 से 4 बार यूज करना होता है, लेकिन जो लेने का बीच के टाइम होता है वो 4 घंटा होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप परचेज करना चाहते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर विजिट करके वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।